आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में राम सिया की छवि बसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कुंजी का स्थिला नाम था जिसका स्वर्ग की थी सुंदरी, वानर राज कुंजर के जन्मी नाम हुआ अंजनी। कपिराज के सरी ने उससे ब्याह रचाया था, गिरि नामक संग पर क्या आनंद मंगल छाया था। राजा के सरी को अंजना का रूप लुभाया था, देख देख अंजनी को उनका मन हर्षाया था। वैसे तो उनके जीवन में थी सब खुशहाली, परंतु गोद अंजनी माँ की संतान से थी खाली। अब सुनो हनुमत कैसे पवन के पुत्र कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कारण अंजना तप कीन्हा भारी, मतंग मुनि हो प्रसन्न हुए अंजना के हितकारी। बोले मुनि वक्ता चल जाओ हे देवी अंजना, वक्तेश्वर भगवान को जप और तप से प्रसन्न करना। अंजना ने आकाश गंग का पावन जल पिया, घोर तपस्या करके वायु देव को प्रसन्न किया। अंजनी माँ को स्पर्श किया वायु का एक झोंका, पवन देव हो प्रकट उन्हें फिर पुत्र प्रदान किया। इस कारण बजरंग पवन देव के पुत्र कहते हैं। राजा केसरी और अंजना करते नित शिव पूजा, शिव भक्ति के बिना नहीं था काम उन्हें दूजा। हो प्रसन्न शिव प्रकट हुए तब अंजना वर मांगी, हे शिव शंकर पुत्र मेरा हो आपके जैसा ही। शिव जी बोले अंजना होगी पूर्ण तेरी इच्छा, मेरे अंश का ग्यारहवां रुद्र ही पुत्र तेरा होगा। जन्म लिए बजरंगी घट गए संकट के बादल, चैत्र शुक्ल की 15 थी और दिन था शुभ मंगल।
बजरंगी तब से शंकर के अवतार कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। केसरी नंदन का है भक्तों प्यारा था बचपन, झूल रहे थे चंदन के पलने में सुख रंजन। काम काज में लगी हुई थी तब अंजना रानी, सूरज को फल समझ उन्होंने खाने की ठानी। उड़ने की शक्ति पवन देव ने उनको दे ही दी थी, उड़ने लगे सूरज का फल खाने वाला बजरंगी। वायुदेव को चिंता हुई मेरा बच्चा जल ना जाए, सूर्य देव की किरणों से मेरा फूल झुलस ना जाए। बर्फ के जैसी वायुदेव यूं हवा चलाते हैं, समझ गए वो पवन पुत्र है नहीं बालक कोई और। शीतल कर ली सूर्य देव ने अपनी गर्म किरणें, पवन पुत्र गुरु रथ पर चढ़कर सूर्य लगे ग्रसने। अमावस्या को राहु सूर्य ग्रसने को जब आया, बजरंगी का खेल देख के बड़ा ही घबराया। इंद्रदेव को आकर सारा हाल था बतलाया, बोला एक बालक से मैं तो प्राण छुड़ा लाया। इंद्रदेव को साथ मिले कर राहु आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। साथ इंद्र को लेकर वापस राहु जब आया, बालाजी की मार से खुद को बचा नहीं पाया। मार मार कर राहु को जब कर डाला बेहाल, दौड़े ऐरावत को खाने मांजनी के लाल। ऐरावत की रक्षा करने इंद्र बने फिर ढाल, बालाजी की शक्ति का देखे जब इंद्र कमाल। समझ खिलौना बाला ऐरावत को पकड़ लिए, इंद्र देवता को भी अपनी भुजा में जकड़ लिए। फिर इंद्र देव क्या करते हैं आगे बतलाते हैं। Yeah।
वार किया जब वज्रसेंद्र ने उनकी ठोड़ी पर। मूर्छित होकर पवन पुत्र गिर गए गिर कंदरा पर। इंद्र देवता क्रोधित होकर गति रोक ली अपनी। तीनों लोक के प्राणी करने लगे त्राही त्राही। सारे देवताओं को न सूझी जब कोई भी आस। ब्रह्मा जी को लेकर पहुँचे पवन देव के पास। ब्रह्मा जी ने हाथ जब उनके अंगों पर फेरा। क्षण में दूर हुई बाला बजरंगी की मूर्छा। वरदान उन्हें दे दे के सारे देव मनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं ने बजरंगी को यह वरदान दिया। ब्रह्म कभी नहीं लगेगा इसको ये ऐलान किया। बोले इंद्र तेरा शरीर होगा वज्र के जैसा कठोर। सूर्य देवता बोले देख के स्नेह से उनकी ओर। मेरे तेज से होगा बाला तू तो शतावधान। वरुण ने अपने पाश और जल से बचने का दिया वरदान। कहने लगे यमराज तू मेरे दंड से रहेगा दूर। और बहुत से देवों ने वरदान दिए भरपूर। इस कारण बजरंग सब देवों के देव कहते हैं। देवता बोले होगा तू ऐसा ज्ञानी। झुक जाएंगे तेरे आगे बड़े बड़े अभिमानी। तुझे युद्ध में कोई पराजित कर नहीं पाएगा। तू जैसा चाहेगा वैसा रूप बनाएगा। संकट हारी तू सबका ही होगा हितकारी। कहने लगे फिर इंद्र देव है बजरंग बलधारी। तेरी हनु टूटी जो बालक लागा वज्र मेरा। इस कारण हनुमान रखा मैं आज से नाम तेरा। हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नटखट चंचल ऐसे थे बालापन में हनुमान। बजरंगी की चंचलता से ऋषि मुनि थे हैरान। ऋषियों ने सोचा बालक में नहीं अच्छा अभिमान।
श्राप दिया इस कारण इसका हो जाए कल्याण। होके बड़ा करना है इसको राम प्रभु का कार। ऋषिवर बाबा बजरंग का यूं करते थे सत्कार। ठीक समय पर इसे जो शक्ति याद दिलाएगा, हम ऋषियों के श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऋषि मुनि साधु संत इनकी जयकार लगाते हैं। शिक्षा से रामचरित्र का पूरा ज्ञान मिला। बजरंगी को सब देवों से ही वरदान मिला। अंजनी माँ आदर्श चरित्र की कथा सुनाया करती। भक्त का और भगवान का अंतर उन्हें बताया करती। एक दिन अंजनी माता बोली, जाओ मेरे लाला, सूर्य देव से शिक्षा लो, ये है आदेश मेरा। माँ इच्छा को रख आँखों पर धर कर शक्तिमान, सूर्य देव से शिक्षा लेने जा पहुँचे हनुमान। सूर्य देव से शिक्षा लेने बजरंगी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पर विष्णु अवतार लिए, अवधपुरी में धूम मची, जग पे उपकार किए। शिव शंकर जी बन के मदारी पहुँचे राजद्वार, साथ में एक वानर था जिसकी सुंदरता अपार। नाच देखने राम सहित आ पहुँचे चारों भाई, नाच नाच बजरंग ने अपने प्रभु को हंसी दिलाई। राम जी बोले, हमसे चाहे कुछ भी ले लो मदारी, ये वानर दे दो हमको, ये है इच्छा हमारी। भक्त के संग भगवान ये कैसे खेल रचाते हैं। भगवन को वो भक्त भा गया, तिहुं लोक में भक्तों आनंद मंगल छा गया। कुछ ही देर में शिव जी अंतर ध्यान हो गए, परम भक्त बजरंगी को भगवान मिल गए। तन मन धन से करते बाला राम की सेवा, एक दिन अपने प्यारे भक्त से राम ने ये कहा।
कृष्ण मुख पर्वत पर जाओ अब तुम बजरंगी, जाके वहां कर लेना तुम सुग्रीव से संधि। प्रभु की आज्ञा लेकर बाला रोते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज्ञा का पालन बजरंगी ने किया, पंपापुर जाकर कीन्ही सुग्रीव से मित्रता। कपिराज सुग्रीव ने उनको सचिव मान लिया, भाई के जैसा बजरंग को आदर सम्मान दिया। राज के कारण सुग्रीव का दुश्मन बाली हो गया, सुग्रीव मेरा भाई है आखिर ये भी भूल गया। विपद काल में बाला ने की सुग्रीव की रक्षा, बोले मेरे होते बाली कुछ नहीं कर सकता। बुरे समय पर मित्र ही मित्र के काम आते हैं। दशरथ नंद श्री राम पिता की आज्ञा पाते हैं, 14 बरस सिया राम लखन वनवास को जाते हैं। पंचवटी में राम प्रभु कुटिया बनवाते हैं, महल के वासी वन में अब जीवन बिताते हैं। रावण की आज्ञा से मारिच की ये चतुराई, कंचन का मृग बन के सामने आया हर जाई। कंचन का वो हिरण देख कर बोली सीता माई, सोने का वो हिरण पकड़ कर ला दो रघुराई। राम प्रभु फिर सोने का मृग पकड़ने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रभु को गए हुए जब बहुत समय बीता, भाई को ढूंढने लक्ष्मण निकले खींच लखन रेखा। फिर तो साधु वेश में आया वो राक्षस रावण, लंका में सीता को उठा कर ले गया वो दुश्मन। खोज लगाते सीता जी की राम और लक्ष्मण, लाचारी में दोनों भाई फिरते थे वन वन। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमत पहुँचे उनके पास, बोले भगवन पहचाना क्या मैं हूँ आपका दास। कैसे भक्त और भगवान मिले आगे बतलाते हैं।
देख तेजस्वी उनका कहने लगे हनुमान, लगता है मुझको नहीं तुम साधारण इंसान। आप हो ब्रह्मा विष्णु या हो स्वयं ही आप महेश, सृष्टि के स्वामी ने धरा पर लिया है मानव वेश। ब्राह्मण वेश में अपने भक्त को राम लिए पहचान, पवन कुमार से बोले लक्ष्मण सुनो हे बुद्धिमान। नाम मेरा है लखन ये मेरे भाई बड़े हैं राम, खोजते फिरते जनक नंदिनी को हम सुबह हो शाम। हम जंगल जंगल भटक के उनकी खोज लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंगी आ गए असली रूप में, रोते हुए वो गिर गए अपने प्रभु के चरणों में। फिर अपने भक्त को राम ने हाथों से उठा लिया, भर के भुजा में बड़े स्नेह से कंठ लगा लिया। लखन को अपने कंठ लगा कर कहने लगे हनुमान, आपका दर्शन पाते ही मेरा हो गया कल्याण। दोनों को लेकर बजरंगी आए सुग्रीव के पास, बोले कपीश्वर ये वो है कि मैं हूँ जिनका दास। सुग्रीव भी फिर राम प्रभु को शीश नवाते हैं। अलग बनाई है मेरी ही जान का दुश्मन भगवान मेरा भाई। जब किस्सा सुग्रीव का मेरे राम ने सुन लिया, कर दूंगा बाली का वध ये उसको वचन दिया। एक बाण चला कर राम प्रभु बाली का वध किए, राज ताज सुग्रीव को वापस प्रभु जी सौंप दिए। बाली के सुत अंगद का भी राजभिषेक किया, सीता माँ की खोज का बीड़ा फिर सुग्रीव लिया। वानर सेना को खोज लगाने फिर पहुँचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेकर वो सिया खोज को चल पड़े। जामवंत अंगद नील और नल जैसे बानर भालू,
राम कार्य करने निकले थे भक्त ये श्रद्धालु। खोज लगाते बीत गया उनको पूरा एक मास, बेचारे वानर खो बैठे सिया मिलन की आस। गिद्ध संपत्ति ये सोच रहे थे देख कितने वानर, करूंगा वानर भालू का मैं भोजन जी भर कर। फिर देख संपत्ति को सारे वानर डर जाते हैं। जटायु की बातें राम के कारण प्राण दिए जब सुना संपत्ति जी ने। अंगद ने उन्हें राम प्रभु की घटना बतलाई, सिया की रक्षा हेतु जटायु ने मुक्ति पाई। सुन वानर भालू से ये सब संपत्ति जी रो पड़े, क्योंकि जटायु भक्तों के भाई थे बड़े। परंतु राम का दुखड़ा सुन दुख अपना भूल गए, भूल के अपना दुख वो प्रभु के दुख में खो गए। संपत्ति सबको सीता माँ का पता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पर्वत पर एक नगरी लंकापुरी है, अशोक वाटिका में माता अशोका कुल बैठी है। जाओ राम के भक्तों राक्षस नगरी में जाओ, रावण से छुड़ा कर सीता माता को लेकर आओ। मैं बूढ़ा हूँ नहीं तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ, अब सीता माता की बजरंग लाज तुम्हारे हाथ। ये सीता के गिरे आभूषण बतलाते हैं साफ, राम लखन का नाम ले मैया करती है विलाप। वानर सुन माँ के हाल को सारे रोते जाते हैं। वानर भालू वो सागर बड़ा विशाल, हिम्मत हारे बैठे थे वो हो गए थे निढाल। कौन भला कर सकता है ये गहरा सागर पार, उड़ तो नहीं सकते थे वानर बेचारे लाचार। अंजन सुत भी श्राप के कारण बैठे थे चुपचाप, जामवंत जब याद दिलाया शक्ति का प्रताप।
सहसा बजरंगी ने बनाया पर्वत साकार। उड़ने लगे सागर के ऊपर जब वो पवन कुमार। वानर गण श्री राम की जय जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब सागर ने बजरंग उड़ते आते हैं, राम कार्य करने को राम के भक्त जाते हैं। मैनाक पर्वत से बोले इनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ कर इनसे कहो मुझ पर विश्राम करो। सुन मैनाक पर्वत की अर्ज ये बोले बजरंगी, क्षण भी नहीं रुक सकता यहाँ मुझे जाना है जल्दी। देवों ने लेनी चाहिए जब उनकी परीक्षा, रूप बना बेडोल सामने आ गई सुरसा। सुरसा के मुख में जाकर हनुमत बाहर आते हैं। राम कार्य में बाधा बनी जब सिंह का राक्षसी, मौत के घाट उसे भी उतारे बाबा बजरंगी। कुछ ही समय में वो त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गए, राक्षस नगरी के सारे ही रास्ते समझ गए। रावण की नगरी का सारा भेद जान लिया, सीता माँ से शीघ्र मिलूं ये मन में ठान लिया। सोच रहे थे अपने मन में बजरंग बलधारी, कहते राम तो उठा के ले जाता लंका सारी। अब सूक्ष्म रूप बना के वो लंका में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अधिष्ठात्री देवी ने उनको जाते देख लिया, राम दूत बजरंग बाला का रास्ता रोक लिया। तब राम के प्यारे अंजनी लाला बजरंगी बलदाई, निर्णय किए उसे मारने का कुछ नहीं देर लगाई। किए प्रहार उस राक्षसी पे जब बजरंग बली, मूर्छित होकर लंकिनी धरती पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में उठकर बोली हो तुम ही हनुमान, असुर वंश का अंत तुम्हारे हाथों है बलवान। महाबली लंका के अंदर पहुंच ही जाते हैं।
माँ सीता को बजरंगी ने कभी न था देखा, नहीं खबर थी उनको माँ का रूप कैसा था। सबसे अलग शैया पर देखी एक सुंदर सी यूटी, उसके कोमल अंगों पर थे जड़े हुए मोती। उसे देख बजरंगी सोचे ये है जानकी प्यारी, उछल उछल कर प्रसन्नता से एक किलकारी मारी। ज्ञान और गुण के सागर ने फिर मन से किया विचार, राम वियोग में सीता माँ नहीं कर सकती श्रृंगार। माँ सीता को खोजने फिर वो आगे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। राक्षस नगरी में एक ऐसा भवन भी देखा था, जहाँ पे करते वक्त विभीषण राम की पूजा। ब्राह्मण वेश बना बजरंगी राम राम जपने लगे, सुन उनकी आवाज विभीषण बाहर आ गए। भक्त विभीषण ने बाबा बजरंगी से पूछा, वानर क्या तू दूत है मेरे राम प्रभु जी का? कैसे है मेरे राम प्रभु मुझे जल्दी से बतला, मेरे लिए क्या लाया है तू उनका संदेशा? भक्त विभीषण को बजरंगी फिर बतलाते हैं।